हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। और एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे लिए, जब मैं कुछ स्कल्पिंग का मॉडल अगर बनाता हूँ, तो जैसे कि मूर्ति वगैरह ऐसा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मैं ऑलरेडी कर लिया था, तो मैं जस्ट इसको अनडू करके रिडू कर रहा हूँ एक बेसिक आइडिया के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली स्कल्प्ट कर लेता हूँ फेस, या कुछ भी रहेगा फेस, फेस के रिलेटेड अगर कुछ डिज़ाइंस है या मूर्ति का मॉडल है, तो मैं नॉर्मली ऐसे जो भी मूर्ति या जो भी कैरेक्टर का फेस है, उस फेस को मैं ज़ेब्रास में कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आसान होता है करने के लिए। जैसे मैं ये बेसिक सा स्टार्ट किया था, तो मैं इसको अंडू करके रिडू कर रहा हूँ समझने के लिए। ओके, तो ये था और ऐसा कुछ था उसका फाइनल वाला, जस्ट कैट कैट के लिए मैं उस फेस को मैं रेडी किया था। ओके, तो ऐसा कुछ था उसका जो फाइनल में फेस बनाया था। ये मिरर नहीं किया, ये मिरर करना था। उसका मिरर वाला भी है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये बेसिक सा था, तो मैं फाइनल वाला जो था करके रखा था, क्योंकि फर्स्ट मैं सोचा था कि पूरा ही जेड ब्रश में करूँ, फिर बाद में सोचा नहीं इससे अच्छा वो फेस सिर्फ ज़ेब्रास में कर लेता हूँ, और बाकी का कुछ जो भी है मैं मैट्रिक्स में बनाऊँगा। तो ये था फेस का जो पोर्शन था, और आप देख सकते हो ये हॉलो है बैक साइड से। ऑलरेडी ये स्कूप्ड करके रखा है, मतलब स्कूप के साथ ये मैं स्कल्प्ट किया था। और ये हॉलो स्कल्प्ट कैसे कर सकते हो, उसका भी एक मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। ओके, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में, ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हो हॉलो स्कल्प्ट कैसे करते हैं। और ये है मेरा कैड वाला। ओके, तब देख सकते हो ये बाकी का जो भी है मैं क्लेव में बनाया था। अगर मैं क्लेव ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो क्लेव का जो ऑप्शंस है यहाँ पे आ रहा है। तो ये सब जो भी है बाकी का बॉडी पार्ट, ये पूंछ का जो, टेल का जो पोर्शन है, हाथ, बॉडी, ये सब मैं क्लेव में बनाया था। और बाकी का ये जो भी है, ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स राइनो का ही ऑप्शंस है। मैं एक बार सिर्फ इसको अलग करके दिखा देता हूँ कि मैं कैसे किया था। तो ये है बॉडी पार्ट। ओके, तो बॉडी पार्ट में कुछ ऐसा किया था। ओके, ये है पूंछ का जो था, टेल का, और बाकी ये तो आप सभी जानते हो जो भी राइनो मैट्रिक्स में काम करते हो, सभी को पता है ये रेल वाइज स्वीप 2 स्वीप 1 जो भी है मैं इसमें यूज़ किया हूँ। ओके, तो ये था एक सिंपल सा ट्रिक फास्ट स्कल्पटिंग के लिए, कैसे अगर कुछ मूर्ति वगैरह का डिज़ाइंस है तो आप उसको करोगे। अगर कुछ मूर्ति का अगर डिज़ाइन है तो आप कैसे उसको एकदम फास्ट तरीके से और टेक्निकल वाइज कैसे आप करोगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो 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 ज़ेब्रास में नए हैं उन सभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टेक्निकल वाइज, माप झुप के लिए कहाँ पे कितना रखना है नहीं रखना है, उन सभी के लिए ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक है। क्योंकि मुझे भी ये आसान गिरता है क्योंकि मैं मैट्रिक्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे मैट्रिक्स का ये वाला जो पोर्शन है बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है।
ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं तो हम लोगों का भी एक डेडलाइन रहता है कि इस समय से पहले अगर दिया तो और भी कुछ डिज़ाइन हम लोग ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप सभी को मैं एक जस्ट एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो आपका स्कल्प्ट और जो भी एक कैरेक्टर है आप बना रहे हो मॉडल का, उस मॉडल का कैरेक्टर जल्दी से बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मैं फेस बनाया था ज़ीब्रास में, इसको मैं OBG एक्सपोर्ट करके और ऐसे करके मैं ये एक इनकम्प्लीट है अभी, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए किया क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे काम बाकी है। इसको स्कूप करना है और जो ये फिंगर का पोर्शन यहाँ पे, एक हाथ का जो बाकी है, पैर में फिंगर का पोजीशन, पूंछ में थोड़ा सा इधर बाल जो होता है पूंछ में वो करना है बाकी है। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक, जस्ट मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहता था। तो बस सही है। और अभी अगर आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ये यूज़फुल है या नहीं, और नहीं भी है तो भी बता सकते हो। अगर और आपके पास और इससे अच्छा भी कुछ ट्रिक है तो भी आप शेयर कर सकते हो, तो उसमें से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं या बाकी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।